हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आपका इंतजार समाप्त हो गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की सभी रेलवे जोन पे जारी कर दिया है। अब दोस्तों अपना आप लोग आंसर की चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको अपना आंसर की चेक करना है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहां मैंने आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। आप लोग का जो भी जोन होगा वहां का वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको नीचे आना है और सीएन नंबर टू वाले सेक्शन में जाना है। तो यहां पे देख सकते हो सीएन नंबर टू वाला सेक्शन यहां पे है और कोई भी नया लिंक एक्टिव नहीं हुआ दोस्तों, पुराना वाला लिंक है इसी पे आपको आ रहा है। तो क्लिक हियर टू डाउनलोड ई कॉल लेटर लिखा है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका, जहां पे मांगा जा रहा है कैंडिडेट लॉगिन और यहां पे लिखा है कैंडिडेट रिस्पांस एंड ऑब्जेक्शन फॉर्म, यानी कि कैंडिडेट का आंसर शीट और आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म का लिंक। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि जो आपका इंटर रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, इसमें पासवर्ड डाल दीजिएगा एज ए डेट ऑफ बर्थ, और इसमें दोस्तों आप लोग डाल दीजिएगा अपना कैप्चा जो इसमें लिखा गया है, उसके बाद लॉगिन कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको सैंपल के तौर पर बता देता हूँ एक का लॉगिन करके। तो फ्रेंड्स, यहां मैं एक कैंडिडेट का डिटेल फुलफिल कर चुका हूं। अब आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं कि किस तरह से आपका शो कर रहा है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से नया विंडो ओपन हो जाएगा दोस्तों, जहां पे आपका पूरा डिटेल्स बताते रहेगा। यहां पे देख सकते हो पूरा डिटेल्स इनका बता रहा है, उसके बाद कैंडिडेट रिस्पॉन्स लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करते ही दोस्तों नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको बोला जाएगा टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ऑफ सब्जेक्ट लेवल 1, क्लिक हेयर। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। सिंपली क्लिक करते ही दोस्तों आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ओपन कर लेना है। इसको ओपन जैसे ही कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर की जो है जो भी है डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा, जहां पे देख सकते हो इनका जो है पार्टिसिपेंट आईडी बताया गया है, पार्टिसिपेंट नेम बताया गया है, टेस्ट सेंटर बताया गया है, टेस्ट डेट बताया गया है, टेस्ट टाइम बताया गया है, सब्जेक्ट बताया गया है लेवल 1 यानी ग्रुप डी का। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन है यहां पे दिया गया है और जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहां पे दिया गया है ग्रीन से। लेकिन आप लोग कैसे चेक कीजिएगा कि हमने क्या इसका आंसर दिया है, तो ये आपने यहां आंसर दिया है वो यहां लिखा है, जो आपने आंसर दिया है वो यहां पे लिखा है और जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीन से लगा हुआ है। तो देखिए इसका जो फोर्थ नंबर है ये करेक्ट आंसर है, लेकिन इन्होंने चूज किया है फोर्थ, तो इनका ये सही हो गया। इस तरह से आप लोग मिला सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो करेक्ट आंसर रेलवे द्वारा थर्ड दिया गया है, लेकिन ये चूज किए हैं सेकंड ऑप्शन, तो इनका ये गलत हो गया। इस तरह से आप लोग मिला सकते हो और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो दोस्तों तीन अगर गलत होता है तो एक सही का भी आप लोग काट लीजिएगा, और उस तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि कितना कितना मार्क्स सभी लोगों का आ रहा है। और जिनका नहीं आंसर की चेक हो पा रहा है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस जरूर कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि कोई भी बच्चा आपको हेल्प करके वहां पे आपके ईमेल पे भेज दे आपका आंसर की डाउनलोड करके, या फिर हमसे हो सके तो हम ही आपको देख के डाउनलोड करके भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।